Everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing this subject electrical circuit analysis for SEM 3 electrical as well as for SEM 3 EC branch as a network theory, in which we already started our unit as a Laplace transformation or a network analysis using Laplace transformation and its एप्लीकेशन. सो इसके अकॉर्डिंग हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक थंब रूल्स देखे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बेसिक थ्योरम फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स और थ्योरम्स रिगार्डिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस. सो उसका जो हमारा मेन जो टॉपिक है या फिर मेन कंटेंट है इस यूनिट का जो कि है लाप्लास की एप्लीकेशन, जो कि इसके बेसिक फंडामेंटल जब हम स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम उसके बेसिक जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर जा पाएंगे. सो दैट हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि उसके थियरम्स को अच्छे से स्टडी कर ले. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट थियरम रिगार्डिंग दैट थिंग्स आर सॉरी हाँ. सो यहाँ पे है फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे आपको दिया है कि भाई लीनियरली जब आपको कोई फंक्शंस दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको बताया है कि भाई लाप्लास फॉर द फंक्शन ए एफ ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी, जो कि यहाँ पे दो फंक्शन है ए एफ वन टी एंड बी एफ टू टी. तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो दैट शुड बी इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू इनफिनिट और आपको जो टर्म दी है उसका ई रेस टू नेगेटिव एस टी डी टी. तो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म जो कि यहाँ पे मैंने बोर्ड बॉक्स करके दिखा है वो आपको फोकस में लेना है, जो कि रहेगा ए एफ वन एस प्लस बी एफ टू एस. क्लियर? तो कि यहाँ पे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टाइम डोमेन में होता है, लेकिन जब हम एस डोमेन में जाते हैं या फिर लाप्लास में जाते हैं तो वो कैपिटल फॉर्म में हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिक डेरिवेटिव्स के कुछ फंडामेंटल्स मैंने दिखाए कि एल डिवाइड डी टी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी दैट शुड बी इंटीग्रेशन ओवर जीरो टू इनफाइनाइट डिवाइड डी टी ऑफ एफ टी इनटू ई रेज़ टू नेगेटिव एस टी डी टी, जो कि उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगा एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस f of 0 plus. clear? same way second order derivative के लिए मैं जाऊँ तो वो बनता है s square f of s minus sf of 0 plus minus df by dt of 0 plus, जो कि ये fundamental आपके लिए यहाँ पे कहीं भी use होने वाला नहीं है, लेकिन आप जब gate या फिर PSUs की preparation करते हैं या फिर UPSC के IAS के जो basic paper solve करेंगे तो वहाँ पे Laplace की ये property का इस्तेमाल आपको मिलेगा, जबकि आपको बाकी हमारे जो कंटेंट है सिलेबस में उसके लिए ये जरूरी नहीं है. बट अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज तो वहाँ पे आपको इसके बेसिक फंडामेंटल या फिर इस थंब रूल के हिसाब से आपको नेटवर्क सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा. क्लियर? सो उसके ऊपर से जो कंक्लूसिव जनरल फॉर्म है फॉर द nth डेरिवेटिव, तो उसके लिए यहाँ पे वो जो आपको दिखाया है जो कि एल लाप्लास ऑफ द डी रेस टू एन बाई डी एफ एन इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस रेस टू एन एफ ऑफ एस माइनस एस रेस टू एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस एस रेस टू एन माइनस टू डी एफ बाई डी टी इंटू जीरो प्लस अप टू डी रेस टू एन माइनस वन अपॉन डी टी रेस टू एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो प्लस, जो कि जनरल फॉर्म है. जो कि ये आपको अगर ये रख देते हो तो आपका काफी काम इजी हो जाएगा कि वहां पे इन रेस टू वन टू या फिर जो भी है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ही रिप्रेजेंट करना है. क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये चीज तो हो गई, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम बेसिक न्यूमेरिकल्स भी साथ में देख लेते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में जीटीयू में भी पूछे जा चुके हैं. तो उस हिसाब से करेंगे तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि ये आपकी साथ में ही प्रैक्टिस जो कि लाप्लास के न्यूमेरिकल्स की साथ में ही प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है? तो यहाँ पे हम राइट डाउन द डेटा फॉर द गिवन न्यूमेरिकल दैट शुड बी द फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन दैट शुड बी फर्स्ट वन इज द एस माइनस वन रेस टू सॉरी एस माइनस वन डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, सेकंड वन है ए स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव एंड थर्ड वन है वन अपॉन एस इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस नाइन. तो यहाँ पे फर्स्ट जो कि है एस माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या बनेगा कि एस प्लस वन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस टू के हम फ्रैक्शन निकाले तो वो क्या बनता है एस प्लस वन एंड एस प्लस टू. तो यहाँ पे क्या होगा के वन अपॉन एस प्लस वन प्लस के टू अपॉन एस प्लस टू, जो कि उसका हम पोल्स या फिर उसकी वैल्यूज जब हम फाइंड करना चाहे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की
वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टाइम पे हम s इज इक्वल टू -1 रखेंगे, एक टाइम पे s इज इक्वल टू -2। तो जब हम s इज इक्वल टू -1 रखते हैं तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो कि अननोन की वैल्यू मिलेगी वो बनेगी -2, और जब s इज टू -2 रखेंगे तो आपके फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3। क्लियर? ओके, वही वैल्यू हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के डेरिवेटिव्स और जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव अपॉन एस प्लस वन प्लस थ्री अपॉन एस प्लस टू। उसका इनवर्स क्या होगा, जो कि हम जानते हैं कि एस प्लस वन का इनवर्स क्या रहता है, ई रेस टू माइनस टी, और यहाँ पे माइनस टू कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू इंटू ई रेस टू माइनस टी प्लस यहाँ पे थ्री जो कि कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, एंड एस प्लस टू है तो ई रेस टू माइनस टू टी। क्लियर? तो उसे हम सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करें तो क्या बनेगा, 3 इंटू ई रेस्ट माइनस 2 टी माइनस 2 इंटू ई रेस्ट माइनस टी। क्लियर? जो कि आपका सॉल्यूशन होगा। ये न्यूमेरिकल अगर आप यहाँ पे नहीं करते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी मैथ्स में ये चीजें लाप्लास में काफी अच्छे से पढ़ चुके हो और इसके न्यूमेरिकल भी आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में काफी देखे भी है। तो यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल जो मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, लेकिन थर्ड न्यूमेरिकल आपको ऐसे होमवर्क या फिर आपके असाइनमेंट वर्क के बेसिस पे दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होती रहे। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो कि 1 अपॉन a² + 4s + 5, तो यहाँ पे उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स है जो कि बनते हैं s+2 + j1 s+2 - j1, तो उसे भी हम सेम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज सॉरी हाँ तो हम उसे पार्शियल फ्रैक्शन की मेथड यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्लस और माइनस j.5 या फिर 1/2। तो उसका सिंपलीफाइड फॉर्म लाप्लास इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, j 1/2 इंटू ई रेस टू माइनस टू माइनस j1 of t माइनस j of 1/2 ई रेस टू माइनस टू प्लस j1 into t। क्लियर? तो उसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव j 1/2 ई रेस टू माइनस टू टी इंटू ई रेस टू jt माइनस ई रेस टू माइनस jt। क्लियर? जो कि जे वाला पार्ट है वो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट रिप्रेजेंट करता है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है, वो कोई ऐसे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है, बट दैट जे मीन्स इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? सो यहाँ पे सिंपलीफाइड फॉर्म क्या होगा, e^-2t इनटू साइन टी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा न्यूमेरिकल है 1 अपॉन s इंटू a² + 6s + 9, मतलब कि 1 अपॉन s इंटू a² + 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपको सेम वे उसके फैक्टर्स निकालने और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इनवर्स निकालना होगा, जो कि ये मैं आपको सेल्फ स्टडी में आपको खुद से हिसाब से सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन आपको इस लेक्चर में ही दिया हुआ है तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट प्रैक्टिस आप अपने हिसाब से करोगे तो आपका थोड़ा वर्क इजी हो जाए, सो दैट मैं आपको खुद की वजह से सोल्व करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द इंडक्टर, जो कि लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट जो हम इंडक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं सर्किट या फिर उसके नेटवर्क में, तो हम उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, देन आफ्टर हम कैपेसिटिव कंपोनेंट लेंगे और देन आफ्टर RLC तीनों के लिए लेंगे। ठीक है? तो क्या है कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन भी ना रहे और आपका सिंप्लीफाइड इजीली हो जाए। तो यहाँ पे वी ऑफ टी की बात चले जो कि हम जानते हैं कि LdIdt, सो उससे हम लाप्लास फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो बनेगा LsIs - I(0-). ओके, सो यहाँ पे V/L = IS - I(0/S एंड I(S = 1/S VS + I(0-S, तो उसका नेटवर्क कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वहां पे हम वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में, अगर कैपेसिटिव कंपोनेंट तो पैरेलल में करंट सोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे नेटवर्क कुछ इस तरह से मिलेगा, जो कि एस डोमेन में क्या होगा, L(I)-0, जबकि एल के साथ मल्टीप्लीकेशन में होगा। सेम वे पैरेलल में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ऐसे। क्लियर? ओके, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है, बाकी ये कंपोनेंट तो सेम ही है, I(S) सेम रहता है, V(S) भी सेम है, लेकिन सीरीज है तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स ऐसे रिप्रेजेंट होगा, जबकि पैरेलल है तो करंट सोर्स जो कि डिवाइड बाई ऐसे रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? ओके, वैसे भी मैंने यहाँ पे आपको नोट्स में दिखाया कि वी हैव टू रिमेम्बर दैट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सीरीज एज वेल एज पैरेलल फॉर द इंडक्टिव कंपोनेंट्स। क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द कैपेसिटर और कैपेसिटिव पार्ट, तो उसके लिए भी हम इक्वेशन तो जानते हैं 1 अपॉन c इंटीग्रेशन ओवर नेगेटिव इनफाइनाइट टू t I(t)dt।
तो उसको भी हम लाप्लास के फॉर्म में करेंगे तो क्या बनेगा कि 1 अपॉन सी आई ऑफ एस डिवाइड बाई एस प्लस वी ऑफ 0 माइनस अपॉन एस। तो यहाँ पर भी वही दो कंडीशन, जैसे कि हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे जो कि कैपेसिटिव कंपोनेंट है, तो यहाँ सीरीज में वोल्टेज सोर्स और कैपेसिटिव कंपोनेंट के साथ पैरेलल में करंट सोर्स। तो यहाँ पे उसी हिसाब से, जबकि इंडक्टिव कंपोनेंट में यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, जबकि यहाँ पे सीरीज कंपोनेंट है कैपेसिटर के लिए, तो वहां पे वोल्टेज सोर्स से डिवाइड हो जाएगा डिवाइड बाय एस, जबकि यहाँ पे करंट सोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इंडक्टिव और कैपेसिटिव के लिए, जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, मेनली ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जो मैं यहाँ फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट सोर्स जो कि सीरीज कंपोनेंट में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, और उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट रिगार्डिंग दीज थिंग्स आर स्विचिंग इनटू द आरएलसी सर्किट। जबकि हम आरएलसी सर्किट के लिए हमारे जो बेसिक फंडामेंटल से उसमें हम जा रहे हैं, तो आपको ये चीजें आना भी जरूरी है कि जब आरएलसी सर्किट के अंदर जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ है उसका लाप्लास फॉर्म क्या होता है, क्योंकि अब जब हमें ये पता चल जाता है तो उसके बाद उसका डायरेक्टली हम ये वैल्यू प्लॉट कर सकते हैं, तो आपको जो कैलकुलेशन है उसमें काफी इजी रहेगा कि हाँ भाई इसका मुझे पता है कि यहाँ पे ये रखेंगे तो इसकी वजह से डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कैपेसिटर एंड इंडक्टर के लिए बात कर रहे थे कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर दैट शुड बी आर इंटू आई ऑफ टी, जो कि आर इंटू आई ऑफ एस बन जाएगा। करंट थ्रू द रजिस्टर दैट शुड बी, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर के बारे में, तो वो रहेगा एल डी आई बाई डी टी, जो कि एल एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो प्लस। तो यहाँ पे रेजिस्टिव इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट्स के लिए जो कि वोल्टेज और करंट के रिलेशंस जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, देन आफ्टर करंट थ्रू द इंडक्टर जो कि बनेगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन वी ऑफ डी टी या फिर वी एल ऑफ डी टी, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगा, जो रहेगा वी एल ऑफ एस डिवाइड बाई एल एस प्लस आई ऑफ जीरो प्लस डिवाइड बाई एस। सेम वे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर देयर शुड बी 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ओवर आई डी टी, और इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी नेगेटिव इनफाइनाइट टू टी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस इक्वेशन को हम दो तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई ऑफ एस अपॉन सी ऑफ एस प्लस क्यू इंटू जीरो प्लस क्यू सी इंटू जीरो प्लस अपॉन एस, और इसे हम दूसरे टर्म में रिप्रेजेंट करें तो बनेगा आई ऑफ एस डिवाइड बाई सी एस प्लस वी सी ऑफ जीरो प्लस डिवाइड बाई एस, और करंट थ्रू द कैपेसिटर दैट शुड बी सी डी वी सी बाई डी टी। तो यहाँ पे सी और डी बाई डी टी मतलब कि S of V of S minus V of 0 plus, जो कि यहाँ पे voltages capacitive voltage रहेंगे जो कि VC होगा। Clear? Okay. So इसके बाद आता है कि step response for the RC circuit. तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि RC circuit यहाँ पे जो हम normally जो हमने प्रीवियस यूनिट में हमने जो स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर वही सारी फॉर्मूला है जो कि V is equal to IR plus 1 upon C integration I dt is equal to V of t, जो कि यहाँ पे ut step response है, so that यहाँ पे u of t is there। तो आगे हम इसको लाप्लास में कन्वर्ट करते हैं जो कि हमने प्रीवियसली जो डिस्कस किए उस टर्म को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर आई का बनेगा आर आई ऑफ एस प्लस 1 upon C I of S upon S plus Q of 0 plus by S is equal to V by S। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि वह यहाँ पे ये जो टर्म्स है वो कैसे आई, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो मैंने ये टेबल दिया है स्विचिंग इनटू आरएलसी सर्किट, ये टेबल आपको एनी हाउ याद करना है, क्योंकि ये जब आपको आएगा तो ही आपके लाप्लास के इक्वेशन सोल्व होंगे, क्योंकि आपकी जो बेसिक सर्किट है उसके अंदर ये सारी टर्म को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद उसका जो इक्वेशन बनता है उसे हम लाप्लास से सोल्व करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर भी वही चीजें आ रही है कि भाई आपका जो एक टर्म बनती है उसे हम लाप्लास में जो कन्वर्ट किया है उसे हम सिंपलीफाई करेंगे, जो इक्वेशन बनेगा आई ऑफ एस इक्वल टू वी बाय आर प्लस एस प्लस आर वन अपॉन आर सी, तो इसका लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, जो कि लाप्लास इनवर्स शुड बी आई ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ वी बाय आर प्लस एस प्लस वन अपॉन आर सी। तो इक्वेशन वहां पे बनता था वी बाय आर या फिर आई जीरो इंटू ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ, वेयर टाइम टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? तो यही इक्वेशन यहाँ पर भी बन रहा है, जो कि ये चीज ये प्रूव कर रही है कि जो हम लाप्लास से सॉल्यूशन करते हैं वो भी हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट ही है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि है उसके स्टेप रिस्पांस फॉर द आरएलसी सर्किट। तो यहाँ पर भी आपको मैंने वही चीजें रिप्रेजेंट की है, जैसे कि
उसका बेसिक इक्वेशन है एल डी आई बाई डी टी प्लस आई आर प्लस वन अपॉन इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू वी ऑफ वी इंटू यू ऑफ टी। तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनता है, जो कि लाप्लास ऑफ दी डी आई बाई डी टी मतलब एस आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ जीरो प्लस प्लस आर आई एस प्लस वन बाई सी इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे आई बाई एस प्लस क्यू ऑफ जीरो प्लस डिवाइड बाई एस, और वी ऑफ यू ऑफ टी का क्या बनेगा वन बाई एस, तो मतलब कि वी बाई एस। तो ये लाप्लास का इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल गया। तो ऐसे बेसिक सर्किट्स के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन याद भी रख सकते हो, या फिर हमने जो ये फंडामेंटल हमने अभी जो बताया, जो कि प्रीवियसली अभी ही हमने डिस्कस किया है, तो ये सारे आपको याद करने कंपलसरी है। अगर ये याद कर लेते तो आप कोई भी न्यूमेरिकल रिगार्डिंग लाप्लास इजीली डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, सो हमारा इसी के साथ ही जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन और थ्योरम का जो पोर्शन है उसमें हमने काफी फंडामेंटल्स देखे, उसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है उसे आप अप्लाई करोगे, जो कि यहाँ पे मैंने दो तीन सर्किट्स जो कि एक न्यूमेरिकल ही आपके है ऑलरेडी, वो आरएल सर्किट या फिर आरसी सर्किट या फिर आरएलसी सर्किट के लिए, तो उसी के अंदर आप ये सारी वैल्यू प्लॉट करो और उसके ऊपर से सॉल्यूशन फाइंड करोगे, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपके लिए ये काम थोड़ा ऐसा है कि फंडामेंटली कितनी चीजें याद रखनी है, जो हमने अभी लेक्चर्स में थियरी पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कस किया वही आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं उसी में से, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है? ओके, सो इसी के साथ ही हमारा ये आज का जो सेशन है उसे हम कंप्लीट करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।